दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अनोखे सत्य की इस नई वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए पढ़ लेते हैं आज का सुविचार। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि यह कुत्ता ट्रेन है, मतलब इस कुत्ते को प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुत्ते की तरह भेड़िए को भी ट्रेंड किया जा सकता है। जी हाँ, अब आप सोचोगे कि भला ये कैसे हो सकता है, तो इसका सीधा साधारण जवाब ये है कि कुत्ते और भेड़िए का डीएनए 99% मैच करता है, यानी मिलता है। और इसी मिलने के कारण इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनके पूर्वज एक ही थे, और इसी वजह से इनको भी ट्रेंड किया जा सकता है। दैट्स ऑसम। सोचो अगर कुत्ते की तरह भेड़िए को भी ट्रेंड किया जाए तो क्या होगा। दोस्तों नमक हमारी खान पान का एक अहम हिस्सा है, और अगर बात करें हमारे देश में इसकी उत्पादन की, तो इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आज भारत करीब 20 से भी ज्यादा देशों को 5 मिलियन टन से भी ज्यादा नमक निर्यात करता है। लेकिन क्या आप जानते हो, भारत की आजादी से पहले नमक की इतनी कमी थी भारत में कि इसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, और आज भारत 20 से भी ज्यादा देशों को 5 मिलियन टन से भी ज्यादा नमक निर्यात करता है। तो है ना कमाल की बात। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपने बादाम जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में हुई एक स्टडी में ये पता चला कि मूंगफली यानी बादाम को खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन क्या आप जानते हो, एक बच्चे की पहली मुस्कान यानी उसकी फर्स्ट स्माइल उसके जन्म के 4 से 6 हफ्ते के बीच में दिखाई देती है। और जब बच्चा पहली बार मुस्कुराता है तो उसके माता पिता से बढ़कर किसी और को क्या खुशी मिलती होगी, है ना। दोस्तों आज की इस दुनिया में स्मोकिंग करना आम बात है, भले ही उस इंसान को पता है कि इससे उसको बहुत ही घाटा होगा, फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर स्मोकिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास में एक ऐसा भी बादशाह हुआ है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध तो लगाया, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता तो उसके मुंह को काले करके गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता था। क्या आप बता सकते हैं उस राजा का क्या नाम था? अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।